भारत को आस्था का केंद्र कहा जाता है, जहां भारत में ऐसे रहस्यमय मंदिर मौजूद हैं, जिनके बारे में बेहद कम ही लोग जानते हैं। ये मंदिर बेहद खास है और इतिहास से भी इनका नाता जुड़ा है। ऐसा ही एक मंदिर बेहद खास है, जहां बिहार के औरंगाबाद में मौजूद ये मंदिर रहस्य से भरा है और छठ पर्व के दौरान यहां लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। कहा जाता है इस मंदिर का अपने आप ही दिशा बदल गई थी। यहां मौजूद सूर्य मंदिर बेहद खास है और इसकी कई मान्यता जुड़ी है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था और कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन करने से सभी मुराद पूरी होती है और ये मंदिर अपने अंदर कई राज समेटे हैं, क्योंकि इस मंदिर की दिशा खुद ही बदल गई थी, जो बेहद बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि आम तौर पर मंदिर की दिशा पूर्व की ओर होती है, लेकिन इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर है, जहां सूर्य देवता सात रथों पर सवार है, इसलिए छठ पर्व पर इसकी बड़ी मान्यता है और यहां भक्त पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर है। इसके पीछे एक कथा है कि एक बार औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने पहुंचा था, तब लोगों ने इस मंदिर को नहीं तोड़ने की विनती की और लोगों ने कहा कि यहाँ वास्तव में भगवान है। तब औरंगजेब ने कहा कि अगर इसमें वास्तव में भगवान है तो इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम में हो जाए, और अगले दिन सुबह इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर हो गया और हर कोई हो गया दंग, जिसके बाद से इस मंदिर की मान्यता काफी बड़ी है। बता दें ये मंदिर करीब 1.5 लाख साल पुराना बताया जाता है। मंदिर के बाहर लिखे श्लोक पर इसका वर्णन मिलता है। आपको ये मंदिर बेहतर वास्तुकला और इतिहास की कहानी बताता है और छठ पर्व पर इस मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां भक्त अपनी मुराद लेकर यहां पहुंचते हैं।